हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर. ओके, क्लास सिक्स. हमने क्या क्या पढ़ा? चैप्टर टू हमारा क्या है? वर्ण विचार. हमने क्या जाना? स्वर, वर्ण, वर्णमाला, स्वर का परिभाषा, स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं. फिर हमने सेकेंड वीडियो में जाना कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, कौन से वर्ग होते हैं, उनकी जो ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं, है ना, हम उसको कहाँ से, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, सब सारे वर्गों का ये हमने जाना, उसके प्रकार हमने जाने. ठीक है, अब हम नेक्स्ट में क्या आ गए हैं? अन्य प्रमुख ध्वनियाँ, वर्ण और चिन्ह आ गए हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है. पहला है आपका अयोगवाह है. अम और अहा ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है. इन्हें हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहते हैं. ठीक है, स्वर आपने क्या पढ़ा? अ आई ई उ री ए ऐ ओ औ, यहाँ तक जो है आपका क्या था? स्वर था. ये जो है अयोगवाह है. कौन कौन सी? अम और अह ध्वनियाँ जो है वो आपकी क्या है? ना ही ये स्वर है और ना तो ये व्यंजन है. ठीक है, व्यंजन आपका क से शुरू होता है, क ख ग घ ङ, तो ये आपका जो है अम और अह जो है क्या हो गया? छूट गया. ये तो ना स्वर में आया और ना ही व्यंजन में आया, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहते हैं. ठीक है, अयोगवाह का अर्थ है जो योग ना होने पर भी साथ रहे. ठीक है, अम और अह स्वरों और व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं. आइए इनके बारे में और जानें. ठीक है, अनुस्वार. अम या इसका चिन्ह जो है सबको पता है, अम का चिन्ह ऐसा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं. इनका उच्चारण नाक से होता है. इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे हंस, वंश आदि. ठीक है, विसर्ग. ये जो अह लिखते हैं तो उसकी मात्रा क्या होती है? ऐसे होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग कहते हैं. इसका प्रयोग कैसे होता है? व्यंजन के बाद किया जाता है. इसका उच्चारण व्यंजन के बाद ह की तरह कहते हैं, जैसे प्रातः, है ना, प्रातः. ये दोनों बिंदु को हम क्या पढ़ते हैं? ह पढ़ते हैं. ठीक है, प्रातः, अतः, हतः, जो हम संस्कृत का वर्ड भी यूज़ करते हैं उसमें भी ये सब अह की मात्रा जो होती है ये विसर्ग जो है यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका अनुनासिक. तो ये जो अम या इसका चिन्ह होता है, ये चंद्रबिंदु जिसको बोला जाता है, ये अनुनासिक कहलाता है. इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं. इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे मुंह, आंगन आदि. ठीक है, संयुक्त र के प्रचलित रूप होते हैं रारेफ, आप सब जानते हो, है ना. इसके तीन प्रचलित रूप होते हैं. जब र व्यंजन किसी वर्ण से मिलता है तो इसका रूप र हो जाता है और वह अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे र म, तो ये क्या हो गया? आधा र और म को जुड़े तो म के ऊपर ये रारेफ लग गया. ये क्या हो गया? कर्म. ठीक है, क आधा र म हो गया कर्म. कार्य लिखना है तो आधा र और या के ऊपर आरेफ लग गया, तो ये क्या हो गया? कार्य. नेक्स्ट है, जब किसी आधे व्यंजन में पूरा र मिलता है तो इसके दो रूप हो जाते हैं. ठीक है, क में र लिखा तो क्र, क्रम. त में र लिखा तो त्र, राष्ट्र जैसे. ठीक है, हलंत का चिन्ह ये होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे हलंत के बारे में. इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है. जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिलता वहाँ हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है, जैसे अद्भुत, अर्थात आदि. ठीक है, हलंत किसको बोलते हैं? हलंत का चिन्ह ये होता है और इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है. जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है वहाँ हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया अद्भुत और अर्थात. ठीक है, यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन दिया है और द्वित्व व्यंजन दिया है. संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं. आपस में मिल जाने से उनका रूप जो है क्या हो जाता है? बदल जाता है. जैसे क और स, तो ये हो जाता है छ. त और र मिलाते हैं तो बन जाता है त्र. आधा त और आधा र मिलाने से क्या बन जाता है? वो त्र. आधा क आधा श मिलाने से क्या बनते हैं? वो छ. आधा ज और यहाँ बनाने से क्या बनता है? वो य. आधा श और र मिलाने से क्या बनता है? वो श्र. ठीक है, ये आपका लाइफ टाइम यूज़ होने वाला चीज़ है, इसको आपको मेमोराइज कर लेना है. ठीक है, द्वित्व व्यंजन किसको बोलते हैं? जब कोई व्यंजन अपने जैसे समरूप व्यंजन से मिलता है तो ऐसे संयोग को द्वित्व व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जैसे आधा क और क, तो ये क्या हो गया? ये.
इसमें आप क्या लिख सकते हो, पक्का, मक्का, नक्का, है ना, ये सब लिख सकते हो। आधा ट और ट, मिट्टी, लट्टू, ये सब लिखते हो तो आपको यूज़ होता है। आधा ल और ल मिलेंगे तो ये लल्लू, पल्लवी। आधा च और च, बच्चा, सच्चा। आधा प और प तो ये हो गया, ठीक है, सब वैसे ही जुड़ेगा, ठीक है। आधा ज और ज तो सज्जा, लज्जा। तो इस तरीके से ये जो है क्या है, द्वित्व व्यंजन है, ठीक है, जहाँ पे एक ही चीज़ जो है समरूप व्यंजन से मिलता है ना, जब कोई व्यंजन अपने जैसे समरूप व्यंजन से मिलता है, मतलब ल ल ही मिल रहे हैं, आधा ल और पूरा ल का है जहाँ पे, वहाँ पे वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ध्यान रहे, पांच वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण फ को छोड़कर द्वित्व नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि पांच वर्गों के दूसरे और चौथे, इट मीन्स क ख ग घ अंग, ये पांच वर्ण होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, दूसरे और चौथे, ये हो गया पहला ख क और दूसरा ख और चौथा घ, तो आपको आधा ख और ख से कुछ नहीं मिलने वाला है, आधा घ और घ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वैसे ही छ और झ से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है, तो इनका जो है द्वित्व व्यंजन नहीं होता है, ठीक है। संयोग किसे बोलते हैं, दो व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग होता है, जैसे आधा क और ख तो मक्खी, मक्खन, आधा ट और ठ तो लठ, मट्ठा, आधा च और छ तो लच्छा, अच्छाई, आधा त और थ तो कत्था, मत्था। तो ये क्या है, संयोग व्यंजन है कि दो व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित्व नहीं होता है, अलग अलग व्यंजन मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ण विच्छेद, किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, अगर यहाँ पे भारत लिखा है जैसे, तो हम इसको सबको अलग अलग करते हैं, तो आधा भ इसमें आ की मात्रा लगा है, आधा र ये अ है, फिर आधा त, फिर उसमें अ मिला है ना, जैसे व्यंजन जो है क्या है, बिना स्वर को मिलाए व्यंजन जो है क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे त लिखा है, इट मीन्स वो क्या है, आधा त है और अ है, तो ये सब मिल, दोनों मिल के क्या बना है, यहाँ पे त बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे विद्यालय, ईशान और व्योम को देखिए अलग किया गया है, ठीक है, ये आपके जो ज्ञान परीक्षण है उसमें भी दिया गया है, इस तरीके का आपके पास क्वेश्चंस हैं तो इसको आपको अच्छे से ध्यान से इसको देखना है, ठीक है, कि वो कैसे बना है और उसमें कौन कौन सी मात्रा लगी है। अगर आपका एक भी मात्रा छूटता है, इट मीन्स आपका वो पूरा जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको अभी ये हो सकता, आप एक बार इसको वीडियो को देखिएगा, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसको एक बार वीडियो देख के दो तीन बार रीड करेंगे, आप इसको एक बार अच्छे से मेमोराइज़ कर लेंगे तो ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा, क्योंकि ये आप जब कभी सीजी व्यापम या पीएससी फाइट करोगे तो ये सारी चीज़ें जो है काम आती हैं। हिंदी व्याकरण जो है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, है ना, ये सारी चीज़ें जो है कभी नहीं छूटती है, तो इसको आप अच्छे से मेमोराइज़ करिए, ओके। चलिए ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।